Hey guys, welcome back to my channel Super Look Style. और यूज कराने वाली हूँ लोटस हर्बल सनस्क्रीन विद SPF 70. सो व्हाट्स लोटस हर्बल बेसिकली? सो थोड़ा बहुत इस ब्रांड के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ. लोटस हर्बल इज बेस्ड इंडियाज लीडिंग नेचुरल कॉस्मेटिक कंपनी. इट इज़ बेस्ड ऑन 5000 ईयर ओल्ड आयुर्वेदा और इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके बनाया जाता है. तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोटस हर्बल्स कंपनी है, जो ब्रांड है, ये बेसिकली आयुर्वेदा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है. इसमें बिल्कुल भी केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है. ये ब्रांड ऐसा दावा करती है कि बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने में विश्वास रखती है. रिव्यू देना चाहती हूँ. एज़ वी ऑल नो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी कौन सा सनस्क्रीन ले, क्योंकि सनस्क्रीन्स भी करेक्ट चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप गलत सनस्क्रीन चूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं आपके स्किन पे इफ़ेक्ट डालती है. मैं रिव्यू देने वाली हूँ आप लोगों के साथ. तो बेसिकली दिस इज़ अ लोटस हर्बल सेफ सनस्क्रीन एंड ये डेली मल्टी फंक्शन सन ब्लॉक. इट्स रिटन हियर एंड बेसिकली इट डज व्हाट, इट कम्स विद SPF 70. अब तक का सबसे ज़्यादा SPF मैंने लोटस हर्बल में ये देखा है सनस्क्रीन में. और गाइज दिस इज़ फ्रॉम अ हाई UVA एंड UV प्रोटेक्शन ऑल्सो. लाइट वेट है, नॉन ग्रीजी है, प्रिजर्वेटिव फ्री है. अवोकाडो और कैरोट का एक्सट्रैक्ट है. बिल्कुल वी ऑल नो हाउ अवोकाडो एंड कैरोट इज़ गुड फॉर आवर स्किन. इट कंटेन्स विटामिन सी. तो वी कैन से दैट कि इसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं है. इट्स केमिकल फ्री आयुर्वेदिक प्रोडक्ट. और जो इसके बैक साइड में है, यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, इसका कब तक का एक्सपायरी डेट है. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इसके बैक साइड पे आपको मिल सकता है. तो लेट्स सी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे ड्रॉबैक लगी. इसका ड्रॉबैक ये है गाइस कि जैसे आप इसको खोलते हो, राइट, 2 to 3 यूजेस में ये यहाँ पे इसका जो क्रीम है ये इकट्ठा होने लगता है यहाँ पे. सो बेसिकली वी कैन से कि हमारा थोड़ा सा सन ब्लॉक लोशन वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं बनाई गई है एज़ पर माई व्यू. एंड सेकेंड ड्रॉबैक मुझे लगा कि इट कम्स विथ अ BB क्रीम टेक्सचर. इसका पीच कलर है, बेसिकली इट्स इन पीच कलर. और ये BB क्रीम के साथ में आता है. तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ज़्यादा फेयर स्किन के लिए भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपको 2 to 3 शेड्स डार्क कर देगा. और ज़्यादा डार्क स्किन के लिए भी ये सही नहीं है, ये आपको ज़्यादा ही फेयर कर देगा. तो इट विल लुक वेरी वर्ड्स एंड केकी टाइप. तो बेसिकली इट्स फॉर मीडियम स्किन टोन. एंड वन थिंग, इफ यू हैव अ वेरी ड्राई स्किन, सो इट कम्स विथ समथिंग लोशन. लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा लोशन तो लगाना पड़ेगा. अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो ओके. इट कम्स विथ मॉइस्चराइजर एज वेल. अगर आप इसको लगाते हो तो मॉइस्चराइज करता है. और उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि मैंने इसको पूरे 1 month यूज़ कराया, तब मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों के साथ. तो बेसिकली इसके साथ एक और दिक्कत ये है कि ये 2 to 3 आवर्स में आपके चेहरे से अपना टेक्सचर हटाना स्टार्ट कर देता है. उसके बाद आपको कोई भी लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट यूज़ करना पड़ेगा अपने फेस को सेट करने के लिए, या फिर आपको हर 2 to 3 आवर्स में इसको लगाना पड़ेगा बार बार. तो दिस इज़ द थर्ड ड्रॉबैक आई फाउंड इन दिस BB क्रीम. एंड नाउ लेट्स कम टू इसके बेनिफिट्स क्या क्या है. सो गाइज, बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं. अगर आप इसको लगाते हो तो सबसे फर्स्ट यूज़ में ही आप देखोगे कि आपके स्किन के टैन सारे ख़त्म हो चुके हैं, आपका स्किन एज यूजुअल फेयर हो गया है. और बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि सनस्क्रीन लगाते हैं पिंपल्स हो जाता है. तो ये मुझे एज आई कैन सी आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन, और कोई भी सनस्क्रीन लगाने से मुझे पिंपल हो जाती है, बट इस क्रीम को लगाने से मुझे नहीं हुई पिंपल. तो आई कैन अश्योर यू कि इफ़ यू हैव अ स्किन लाइक माइन, देन डेफिनेटली बी टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, आपको ये पिंपल कॉज नहीं करेगा. एंड उसके बाद इसके जो मुझे बेनिफिट लगता है कि आप मेकअप करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. इसके साथ BB क्रीम मिक्स जाती है, तो वो आप एक बार अपने फेस पे लगा लो, बस यू आर सेट. इफ़ यू हैव वेरी डस्की स्किन और इफ़ यू हैव अ क्लिस्ट्रल क्लियर स्किन, पिंपल्स नहीं आपके स्किन पे, तो दिस कैन वर्क मैजिक फॉर यू. बस एक ही यूज़ में आप बिल्कुल लगा के कहीं भी जा सकते हो सन में. ये मेकअप और सनस्क्रीन दोनों का काम करता है बेसिकली. तो इसका ये बेनिफिट है. और
ये आपके चेहरे को बहुत ही फाइन स्मूथ, कुछ आपके ब्लेमिशेस को भी हाइड करता है। तो इसके अंदर ये खूबी भी है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रिजर्वेटिव फ्री है और SPF 70 है। लोटस का अब तक का सबसे महंगा सनस्क्रीन है ये, विच कम्स विथ SPF 70। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो बेसिकली 595 है। और ऑफ़र्स वगैरह चलते रहते हैं, यू कैन फाइंड ऑफ़र्स एज वेल। ऑनलाइन ऑर्डर करोगे आप अमेज़ॉन और या नायका फ्लिपकार्ट से, तो आपको डेफिनेटली कुछ ऑफ़र प्राइस पे ये मिल सकता है। ज़्यादा तो नहीं मिलेगा ऑफ़र, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको 50 रुपीज़ तक का डिस्काउंट मिल सकता है इस पर। एंड अगर बात करें हम इसको यूज़ करके, सो लेट्स ट्राई कि ये कैसा है। तो मैं इसको अपने हैंड्स पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। इस हैंड पे मैंने इसको अप्लाई किया एंड नाउ आई कैन मिक्स इट। आप देख सकते हो बहुत ही फाइन, बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर है इसका, बहुत ही क्रीमी सा है। और आप देख सकते हो कि माय स्किन हैज़ स्टार्टेड ग्लोइंग, इट हैज़ बिकेम स्मूथ फ्लॉलेस एंड माई ब्लेमिशेस हैज़ बिन हाइड। जो अन इवन स्किन टोन है मेरे हैंड में, उसको इसने इवन कर दिया, यू कैन सी। तो आप बेसिकली इस हाथ में और इस हाथ में डिफरेंस देख सकते हो। मेरा ये हाथ कितना स्मूथ और फ्लॉलेस हो गया, और ये हाथ अभी दिख रहा है एज इट इज़। सो अगर बात किया जाए, या दिस वन इज़ गुड, बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है ये, बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश देता है ये सनस्क्रीन। एंड डेफिनेटली नो डाउट यू कैन गो विथ इट, एंड बट ओनली फॉर मीडियम स्किन टोन, नॉट फॉर टू डार्क, नॉट फॉर टू फेयर। सो कीपिंग दिस इन माइंड, इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ स्किन टोन देन यू कैन डेफिनेटली गो विथ इट। एंड दिस इज़ वर्किंग, इट वर्क्स मैजिक। So this is all about in this video. If you like my video, do like and subscribe my video, and इसको ज़्यादा से ज़्यादा share करें। So मिलते हैं next video में। Till then, tata, bye bye, take care.